चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच मुख्तार की शिफ्टिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। आपको बताते चले, एम्बुलेंस में एक डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी एहतियातन। एम्बुलेंस के आगे और पीछे सुरक्षा का घेरा होगा। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से है, और साथ ही एम्बुलेंस में एक डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हितेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेन, देखिए ये भी अब समझना होगा, क्योंकि थोड़ी देर जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एहतियातन अब डॉक्टर को भी रखा जाएगा, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तबियत खराब होती है, तो वहां पर डॉक्टर भी मौजूद रहेगा। हितेन, और क्या जानकारी वहां से और मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बात करें तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमारी जब पंजाब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जब बात हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पंजाब पुलिस सिर्फ इस जेल की दरवाजे तक सुरक्षा देगी, उसके आगे पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की रहेगी। यानी कि किसी भी प्रकार का एस्कॉर्ट नहीं दिया जाएगा पंजाब पुलिस की तरफ से। सिर्फ यूपी पुलिस जो है वो अकेले यहाँ से मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा के लिए रवाना होगी। यानी कि जो 8 गाड़ियां है, 4 गाड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस की आगे, बीच में एम्बुलेंस, और फिर 4 गाड़ियां पीछे, जिसमें एक वज्र वैन भी है जिसके अंदर पीएसी के जवान मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग जो है ये करीब 1 घंटे पहले यहां से अंदर गए हुए थे, अभी भी तैयारियां चल रही है। देखिए थोड़ी देर पहले जेल प्रशासन से भी बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने में। उसके बाद मुख्तार अंसारी को जो है यहाँ से इस एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ये पंजाब पुलिस का पूरा कॉर्डन ऑफ देख रहे हैं, ये पंजाब पुलिस का कॉर्डन ऑफ आप देख रहे हैं, ये आगे रूट तक सिर्फ आपको दिखेगा, उसके आगे उत्तर प्रदेश पुलिस को खुद अपनी जिम्मेवारी लेते हुए वो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये SSP रूपनगर जो SSP है वो भी अब यहाँ पर जेल के बाहर जो है पहुँचते आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि अंदर कागजी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर SSP अब जो है वो पहुँच चुके हैं, वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेने के लिए पहुँचे हुए कि आखिरकार एक गैंगस्टर को, एक डॉन को, एक बाहुबली को अपने राज्य की पुलिस के हवाले किया जा रहा है, और वो 27 महीनों बाद वो अपनी घर वापसी करने जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर करने जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारियां अब पंजाब पुलिस की तरफ से भी जो की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस ने एस्कॉर्ट देने की बात तो नहीं की है, लेकिन पंजाब पुलिस ये कह रही है कि रूट पर हम रूट क्लियर निश्चित पंजाब से हरियाणा तक हम कराते नजर आएंगे। जहां जहां हमें मैसेज मिलता जाएगा कि ये किस रूट से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर पूरे अपने काफिले के साथ रवाना होगी, उस रूट पर जो है ट्रैफिक को क्लियर कराया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कराई जाएगी। ये हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से साफ जो है वो कहा गया है। यहाँ पर अभी भी जो है इंतजार हो रहा है। देखिए जितनी बड़ी संख्या में पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बांदा पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो देखते हुए जेल के जो कुछ नियम होते हैं कि जेल के अंदर अगर आप किसी कैदी को भी अपने कस्टडी में लेने के लिए जाते हैं, तो जेल के जो नियम होते हैं कि आप सिर्फ खाली हाथ अंदर जा सकते हैं, आपके पास मोबाइल तक नहीं होना चाहिए, कोई नेल कटर तक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई हथियार ना होना चाहिए, इसीलिए सबके हथियार पहले जमा करवाए गए, सबकी चेकिंग की गई, उसके बाद उन्हें अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाया गया, और उसके बाद कागजी कार्रवाई शुरू हुई, इसीलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा। हालांकि अभी भी जो है डॉक्यूमेंटेशन में 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। SSP रूपनगर जो है अभिषेक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और वो भी जो है पूरा आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का पूरा जायजा लेते नजर आ रहे। हम कोशिश करेंगे कि SSP रूपनगर से बात की जाए, हालांकि वो क्या कुछ कहते हैं वो भी देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इतने आपको रोकेंगे। लेकिन बाकी बहुत बड़ी खबर बता दें, कभी भी रोपड़ जेल से रवाना हो सकता है मुख्तार अंसारी। रोपड़ जेल में अलग से एक एम्बुलेंस बुलाई गई है, बड़ी खबर बता रही, क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई है, और कभी भी ये जानकारी मिल रही है कि कभी भी रोपड़ जेल से रवाना मुख्तार अंसारी हो सकता है। इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीधा रुख हितेन के करेंगे। हितेन, और क्या कुछ जानकारी? दिक्षा, अच्छा ऐसे देखो, सिक्योरिटी जरूरी है, अपने कोई बंदा ना गिर जाए, कोई हो रहा है, थोड़ा सा इन्हें अपील करा दो, बंदे बहुत इकट्ठे हो गए सर।
सर एक चीज पूछ रही है कि क्या पंजाब पुलिस भी साथ में जाएगी यूपी पुलिस के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ? एज ऑफ नाउ इट इज अप टू यूपी पुलिस टीम हाउ दे वांट टू टेक इट अप, कि उनकी यूपी पुलिस की जो भी टीम आई है अपने व्हीकल्स और जो भी उनका कारकेड है उनकी ऑफिसर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको लेके जाएंगे। जैसे तो आप, आपकी टीम जाएगी नहीं जाएगी सर? सेफ्टी करना, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कराना, कुछ नहीं। रोपड़ पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लॉ एंड ऑर्डर, आर टीम्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ देयर दिस थिंग कारकेड। सर इस पूरे ऑपरेशन में रोपड़ पंजाब के कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, कितने अधिकारी लगे हैं, एक टेंटेटिव नंबर? आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लॉ एंड ऑर्डर। ओके, दैट इज आर एरिया। क्लियर करवाया जाएगा पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक? आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लॉ एंड ऑर्डर, वी विल मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर वाइज कोई इशू ना हो। दैट्स ठीक है। बाकी कौन सा रूट फॉलो करना है कैसे, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर ऑफिसर इन चार्ज विल डिसाइड। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये आपने सुना एसएसपी है रूपनगर, जिनका साफ साफ कहना था कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की रहेगी। जो टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, जो अधिकारी उस टीम के अध्यक्षता कर रहे हैं, उसकी पूरी जवाबदारी जो है वो होगी। हालांकि पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब के अंदर, रूपनगर के अंदर, ये रूपनगर के एसएसपी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ रूपनगर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की काम करेंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रूपनगर एसएसपी का बयान था, तो ये पूरे पंजाब पुलिस का ये स्टेटमेंट हो सकता है कि पंजाब बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते दिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे जवाबदारी सिर्फ यूपी पुलिस की रहेगी कि वो किस रूट से जाती है, कैसे जाती है, कहां तक जाती है। पंजाब पुलिस की और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जेल से निकाल कर उनको सकुशल बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए। बॉर्डर के पास जो भी स्टेट लगता है, अगर हरियाणा लग रहा है तो हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वहां से सुरक्षित उनको यूपी बॉर्डर तक पहुंचाना, और यूपी के बाद तो यूपी पुलिस का काम हो ही जाता है। यानी कि पंजाब पुलिस अपनी पूरी एहतियात बरतते हुए, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ से निकलेगी। एक प्रोटोकॉल भी है कि जिसको जहाँ तक जिनका एरिया है उठाने के हिसाब से अलग अलग जो स्कॉट है वो इनको फॉलो करते हुए आगे तक लेकर जाएगी। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लौटेंगे आपके पास और तस्वीर जो भी वहां से सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। ये बहुत बड़ी खबर जी हिंदुस्तान पर हम आपको बता रहे हैं। एडीजी को दिया गया सैटेलाइट फोन, यूपी पुलिस की 10 गाड़ियां रोपड़ जेल पहुंची है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये कि एडीजी को सैटेलाइट फोन दिया गया है, ये लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस की 10 गाड़ियां रोपड़ जेल पहुंची है।